हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताऊंगी सिंटैक्स के रूल। सो फ्रेंड्स, सिंटैक्स के रूल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और सिंटैक्स आपके एग्जाम में सिर्फ 2 मार्क्स में आता है। तो 2 मार्क्स में आपके 4 सेंटेंसेस आते हैं जिनको आपको करेक्ट लिखना होता है इनकरेक्ट से। तो 4 सेंटेंसेस होते हैं हमारे हाफ हाफ मार्क्स के। सो फ्रेंड्स, इस रूल्स को आप अप्लाई करके देखें अपने एक्सरसाइज पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे कमेंट में पूछ लें, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं थोड़ा नीट इसीलिए नहीं लिख पा रही, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में फ्रेंड्स, मेरे हाथ में राइट हैंड में चोट लगी हुई है, तो उसमें मुझसे जितना लिखा जाता है मैं उसके हिसाब से ज़्यादा लिखने की कोशिश करती हूँ नीट। सो फ्रेंड्स, इसी वजह से राइटिंग क्लीन नहीं हो पा रही, तो जल्दी ही मेरा हैंड सही हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको नीट राइटिंग में रूल्स दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इनको समझिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स प्लीज़, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है, वीडियो को आप देख लेते हो और लाइक नहीं करके जाते। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप ये देखिए, मैं आपके लिए राइट हैंड में चोट लगते हुए भी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो क्या फ्रेंड्स आप मेरे लिए एक लाइक नहीं कर सकते? तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिंटेक्स किसे कहते हैं। सिंटेक्स क्या है? वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? सिंटैक्स। कोई भी वाक्य है उसको हम सही फॉर्म में लिखना हमारा क्या है? सिंटैक्स कहलाता है। मीन्स सिंटैक्स हमारा कैसे आता है पेपर्स में? इनकरेक्ट से करेक्ट लिखने के लिए। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए सेंटेंस में इनकरेक्ट क्या है, तो हम इसी चीज के रूल पढ़ेंगे और उसको करेक्ट करके सेंटेंसेस में यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, सिंटेक्स के अंतर्गत वे सभी नियम आते हैं जो इंग्लिश लिखने के लिए अनिवार्य होते हैं, ठीक है। इंग्लिश लिखने के लिए जो रूल्स अप्लाई होते हैं वही हमारे किस में आते हैं? सिंटेक्स में। क्योंकि हमें सेंटेंस को इनकरेक्ट कर सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है, तो हमारी वो क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश लिखने का तरीका आ जाता है हमको, ठीक है फ्रेंड्स। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा इसमें। अगर अभी भी आपने वीडियो को नहीं लाइक किया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट वन हो तो अपना के अर्थ में अर्थात पैसिव केस में वंस का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंसेस है उसका सब्जेक्ट वन से स्टार्ट होता है तो हम उसकी पैसिव केस जो होगी उसको क्या करेंगे? वहां पे वंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वन शुड डू हिज वर्क, तो हमारे पास यहाँ हिज जो है वो पैसिव केस है, तो हिज की जगह हम क्या यूज करेंगे? वंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा राइट सेंटेंस जो हो जाएगा, वंस शुड डू वंस वर्क, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, वन मस्ट डू हर ड्यूटी, ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस है। वन मस्ट डू हर ड्यूटी, तो इसका राइट होगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है, इसका करेक्ट सेंटेंसेस हो जाएगा। सेकेंड रूल नंबर हमारा जो होता है, यदि किसी वाक्य में हाल ही में बीते हुए समय की बात को दर्शाया गया हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में बीते हुए समय की बात किया, जैसे ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, बीते हुए समय की बात हो रही है, तो इसका हम क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस को लिखेंगे। तो ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, ठीक है, हैज कट हो जाएगा इसमें से, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ही हैज गोन टू मुंबई यस्टरडे, ये इनकरेक्ट है, तो ही वेंट हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, ये हमारा करेक्ट सेंटेंसेस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम रूल नंबर थर्ड देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये रूल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये रूल्स अच्छे से पता होते हैं तो आप सेंटेंसेस को इजिली बना लेते हैं। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होते आप सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत कर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के रूल को पढ़ना इसीलिए जरूरी है कि आप सेंटेंसेस को सही से बना सकें। तो फ्रेंड्स, आप इन रूल को अच्छे से पढ़ें, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। आप रूल को अच्छे से पढ़ेंगे तो सेंटेंसेस भी अच्छे से बना पाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं जल्दी ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की भी इसमें से सिलेक्ट करके, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनकी भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगी। सो फ्रेंड्स, आप इनको भी अच्छे से पढ़ लें जिससे कि आपको वे सेंटेंसेस करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रूल नंबर थर्ड है हमारा, यदि एक ही वाक्य में 2 या 3 पर्सन फर्स्ट सेकंड या थर्ड का प्रयोग हो तो उन्हें 2 3 1 के क्रम में रखते हैं।
तो कैसे रखते हैं, हम एग्जांपल में देख सकते हैं, ही यू एंड आई, ही आर फर्स्ट फ्रेंड। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें किस में लिखना है, 2 3 1 में, तो यू ही आई ऐसे लिखेंगे, यू ही एंड आई आर फर्स्ट फ्रेंड। तो हम इसमें क्या चेंज किया है, हमने कुछ नहीं किया है, इस फर्स्ट लेटर में इसको लिया है, टू वाली पोजीशन को फर्स्ट में लिया है, और जो वन वाली ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पर्सन होता है तो सेकंड पोजीशन पे लिया है, और आई हमारा थर्ड पर्सन है, इसको आई में लिया है। तो ये चेंज हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में देख लो, आई एंड यू मस्ट गो देयर, तो यू हमारा क्या है, इसमें हमें ही नहीं दिया, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमारा आई है, तो एंड आई मस्ट गो देयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन्स के हम इसको सेट करेंगे। रूल नंबर फोर्थ की बात करते हैं फ्रेंड्स, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल है, राम एंड रवि लव वन अनदर, तो इसका राइट बनेगा हमारा, किस चीज की बात कर रहा है, अगर दो व्यक्तियों की बात कर रहा हो तो ईच अदर, और एक व्यक्तियों की बात कर रहा हो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात कर रहा हो तो वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ दो व्यक्तियों की बात कर रहा है तो क्या लगाएंगे, ईच अदर, तो राम एंड रवि लव ईच अदर। नेक्स्ट हमारा दीज चिल्ड्रन लव वन अनदर, यहाँ पर वन अनदर की बात हो रही है, तो दीज चिल्ड्रन लव ईच अदर। ठीक है, रूल नंबर फाइव हमारा, रूल नंबर फिफ्थ है, यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब इज एम आर वॉज वर का कंप्लीटमेंट को प्रोनाउन है तो हम नॉमिनेटिव केस में होगा ये, तो प्रोनाउन को क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस में होगा, जैसे इट इज मी हु कैन हेल्प हिम, तो इसको हम नॉमिनेटिव केस में कैसे चेंज करेंगे, इट इज आई हु, मी का क्या हो जाएगा, आई, आई हु कैन हेल्प हिम। तो ऐसे पर्संस को हम नॉमिनेटिव केस के लिए, जो मी होता है उसको आई, अस को वी, इस टाइप से हम उसको चेंज कर लेते हैं, और यू तो यू ही रहता है, यू हमारा थर्ड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, ये एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट में पूछ ले। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।